दोस्तों क्या कल पाई नेटवर्क लॉन्च होने वाला है? क्या सच में कल आप अपने पाई नेटवर्क को सेल कर पाओगे? और अगर सेल करना हुआ तो फिर कैसे करेंगे भैया? कैसे टोकन ट्रांसफर करेंगे? किस एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है पाई की, या फिर कहाँ पे लिस्टेड ऑलरेडी है पाई? क्या कुछ मार्केट में हलचल है? आज सब कुछ आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं इस वीडियो को। अगर आप एंड तक देख लेते तो मुझे लगता है आपकी सारे डाउट्स जो पाई से रिलेटेड है वो क्लियर आउट हो जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ सरप्राइज भी है दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले भैया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद वीडियो लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद ये चीज़ आप तक डिलीवर होती है। तो थोड़ा सा यार प्यार दिखा दो, अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं पाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। और आपको ये बता देते हैं मैं किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में करते हैं खुद के रिस्क कैपेसिटी पर कीजिएगा, ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, पैसे यहाँ डूबते हैं, बिल्कुल ध्यान से इस बातों को समझिएगा। अब आइए सीधे पाई के अपडेट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ट्वीट्स का सिलसिला देखें जो पाई की तरफ से ऑफिशियली निकल के आया उनके ट्विटर हैंडल पर, तो सीधे सीधे देखिए 9 मार्च को उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट करी, ट्वीट करा कि पाई जो है अब अपनी एड प्रोवाइड करने वाली है, जिसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और उसका जो पेमेंट होगा वो पाई क्वाइन के थ्रू होगा। उसके बाद डेवलपर्स ने भी यहाँ पे कंफर्म करा 10 मार्च को। उसके बाद दोस्तों अब तक कोई ट्वीट निकल के नहीं आया, और कल पाई का एनिवर्सरी है, तो ये हो गई ऑफिशियल बातचीत। अब अनऑफिशियल बातचीत क्या है दोस्तों? यहाँ पे आज पाई टोकन की जो प्राइस में ग्रोथ देखने को मिला है वो लगभग 80% का, मतलब किसी ना किसी ने तो इन्वेस्ट करा है पाई पे भैया, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कल इस क्वाइन की मैंने प्राइसिंग आपको दिखाई थी 5000 रुपए थी, और आज लगभग 9800 लगभग 10000 रुपए के प्राइस को ये टच कर रहा है। मतलब कुछ तो बड़ा कारनामा होने ही वाला है पाई पे, आप ये क्लियर समझ लो। लॉन्चिंग को लेके पीपल के मन में बहुत ज्यादा डाउट है, तो एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ, वीडियो के शुरुआत में बता रहा हूँ, एंड तक आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। अगर पाई टोकन को लॉन्च करना होगा पाई टीम को, तो वो किसी ऐसे दिन पे लॉन्च नहीं करेगी जहाँ आपकी सब वेट कर रहे हो टोकन को सेल करने का। और जहाँ तक कि अभी हम देख पा रहे हैं कि पाई की तरफ से कुछ अब तक कन्फर्म नहीं करा गया कि किस तरीके से आप अपने टोकन को सेल कर पाओगे, किस तरीके से टोकन का माइग्रेशन होगा। तो हो सकता है दोस्तों कल आपको एक कन्फर्म डेट देखने को मिले कि पाई टोकन कब लॉन्च हो सकती है, क्योंकि यहां पे जो हम आर्टिकल को देख रहे हैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, ना इधर की बात कर रहा हूं ना उधर की बात कर रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं कि पाई के कुछ मॉडरेटर्स ने खबर लीक कर दी है कि पाई की टीम की प्लानिंग है कि इस साल में हम अपने मेननेट को लॉन्च करें। तो कल बेसिकली ये नहीं होने वाला है कि पाई टोकन लॉन्च हो जाए, हो सकता है कुछ खुशखबरी आपको जरूर से मिल जाए कि पाई की जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो यही क्वाइन है, और यही क्वाइन को आप सेल कीजिएगा जिसकी अभी वैल्यू 10000 रुपए है एक पाई क्वाइन की वैल्यू। अगर आपके पास 100 पाई क्वाइन है तो कैलकुलेट कर लीजिए भैया, 100 अगर होंगे आपके पास तो आप लखपति तो आराम से बन गए हैं। अगर आपके पास 1000 क्वाइन है तो उससे भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो खुशखबरी आपको कल मिल सकता है वो ये हो सकती है कि जी हाँ, ये ऑफिशियल पाई क्वाइन है और इसी क्वाइन को आप हो सकता है आगे चल के सेल कर पाए। बट अभी तक जहां तक सेल करने की प्रोसेस की बात है दोस्तों, तो अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज निकल के नहीं आया है। बट आप सभी को दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई के पास आप सभी के लिए शायद से और एक बड़ी वजह है आपको खुश करने की। क्योंकि यहाँ पे जब मैं इनके ट्वीट को देख रहा था माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे एक बात का यहाँ पे समझ आया है, जो पाई कर रही है अपने अंदर कोर यूटिलिटी डेवलप कर रही है, जिससे कि जब उनके टोकन का प्राइस लॉन्च हो तो वो क्रैश ना करे, लोग उस क्वाइन को यूज़ करके अपनी जो यूटिलिटी का काम होता है, अपने जो सामान मंगवाते हैं लोग, जैसे रिचार्ज होता है, बिल पेमेंट होता है, वो शायद से आप पाई पे आने वाले दिनों में कर पाएंगे। तो अभी मार्केट में जितनी भी वीडियो बन रही है, जितने भी रूमर्स आ रही है, उन सभी पे आपको विश्वास नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। सच्ची अपडेट तो यही है कि देखिए कल पाई का एनिवर्सरी है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो कल को आ जाएगा। अब तक लिस्टिंग को लेके खबर नहीं है, बट पाई क्वाइन पे हमें जो जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, तो मतलब कुछ सिग्निफिकेंट काम तो कल होने वाला है। कल तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए कि पाई में क्या हो रहा है, बट किसी गलत खबर में आके अपने टोकन को ट्रांसफर मत कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला रहे हैं कि
आप अपने पाई को यहाँ पे सेल कर दो। देखिए मैंने एक दो लोगों से पर्सनली बातचीत की जिनका पाई टोकन उनके वॉलेट से गायब हो चुका है, क्योंकि वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पाई की, क्योंकि सभी उस टोकन को लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कभी भी गलती से भी आप अपने टोकन को 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये के भाव में मत बेच दीजिएगा किसी को माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल रहा है पाई के बायर्स आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं और लास्ट में पेमेंट भी नहीं मिल रहा यूजर्स को। तो थोड़ा बच के रहिए, सावधान रहिए और कल तक का इंतजार कीजिए, ये सबसे बेस्ट थिंग होगा जिस तरीके से आप अपने फंड को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। बाकी टोकन आपने माइन करिए, तो डिसीजन आपका होना चाहिए। बट ये थी जेन्युइन अपडेट जो कि मैंने आपको पूरे तहे दिल से सच सच आपके सामने रखा है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी पाई माइनर्स के साथ शेयर कर दीजिए। उसके साथ मैंने आपको क्या कहा था, सरप्राइज। तो सरप्राइज ये है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं माइन कर रहा था आपके सामने सतोशी ऐप में, मैंने आपको बताया था, ऐसा मत कभी कहिए कि बताया नहीं था भाई। और इस क्वाइन की ऑफिशियल विड्रॉल चालू होने वाली है 17 मार्च से, और दोस्तों अप्रैल में इस क्वाइन की लिस्टिंग भी है। ओपन ई एक्स इस क्वाइन का नाम है दोस्तों, जो कि सतोशी ऐप में आप सभी माइन कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, इस बात को आप भी क्लियरली समझ रहे, क्योंकि ये जो ऐप थी इस पर पिछले बार कोर डाओ क्वाइन लिस्ट हुआ था। और देख सकते हैं दोस्तों मैंने आज भी माइनिंग कर रखी है, और बस मुझे क्लिक करना होता है एक बार माइनिंग को मतलब लेने के लिए, और मेरे पास लगभग 900 क्वाइन हो चुके हैं मेरे इस फोन में। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फोन है जिसपे मैं माइनिंग करता हूं, तो इस क्वाइन को अगर आप माइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी लगभग एक महीने का समय बचा हुआ जहां कि आप हर रोज इस क्वाइन को माइन करके एक अच्छा प्रॉफिट अप्रैल के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका लिस्टिंग डेट, विड्रॉल डेट और सब कुछ बिल्कुल क्लियर ऐप पे ही मेंशन है। और पिछली बार इस पे कोर डाओ लिस्ट हो चुका है, तो ये क्वाइन आपको हो सकता है बहुत अच्छा बेनिफिट दे दे फ्यूचर में। और मैं माइनिंग अपने पर्सनल फोन में नहीं करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यहाँ मेरा पर्सनल फोन एक फोन से वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बस फोन मैं माइनिंग के लिए यूज करता हूँ। ऐसे मेरे पास 10 ऐप इस पे इंस्टॉल्ड है जिस पे मैं माइनिंग करता हूँ। तो अगर आप सभी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं माइनिंग पे, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक माइनिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जरूर से लेके आ जाऊंगा आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।